दोस्तों आज अट्ठाईस जनवरी 2023 को जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं यह इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर क्वार्टर थ्री में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बावन करोड़ अड़तालीस लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में यह तैतीस करोड़ के आसपास था और प्रीवियस क्वार्टर थ्री में यह सोलह करोड़ था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर दो सौ परसेंट इनक्रीज़ हुआ है और अगर हम लोग सिक्वेंसिल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो भी ये सत्तावन परसेंट बढ़ा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंसिल दोनों ही बेसिस पर बहुत ही अच्छी बढ़त हुई है क्वार्टर थ्री में टोटल इनकम चौवन करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये सैंतीस करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थ्री में ये सत्रह करोड़ था टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दो बढ़ा है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग उनचास परसेंट की बढ़त हुई है क्वार्टर थ्री में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शन आइटम पंद्रह करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ग्यारह करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थ्री में ये लगभग तीस लाख था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो भयंकर ग्रोथ दिख रहा है अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखें तो ये चार हज़ार नौ सौ सोलह परसेंट के आसपास है और अगर हम लोग सिक्वेंसियल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो इसमें लगभग छत्तीस परसेंट का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर थ्री में नेट प्रॉफ़िट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्यारह करोड़ तिरानवे लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में सात करोड़ तिरसठ लाख था और प्रीवियस ईयर एक क्वार्टर थ्री में नेट लॉस बाईस लाख अड़तालीस हज़ार का हुआ था तो अगर पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इसमें तो कई गुना बढ़त हुई है और अगर हम लोग पैट को सिक्वेंसिली देखें तो यहाँ छप्पन का ग्रोथ दिख रहा है लेकिन यहाँ आप देखिए एक एक्सेप्शनल गेन की एंट्री हुई है जो दो करोड़ की है तो अगर हम लोग इसे एक्सेप्शनल गेन को हटा भी दें तो भी सिक्वेंशियली या क्वार्टर एन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ तीस परसेंट का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर थ्री में अर्निंग पर शेयर एक रुपये उन्नीस पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में इकहत्तर पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में लॉस पर शेयर दो पैसे का था तो ई में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो भी ये अड़सठ बढ़ा है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह एक एक्सेप्शनल गेन है लेकिन अगर उससे भी हटा दें तो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा ही ग्रोथ दिखेगा क्वार्टर थ्री में कॉन्सोलीटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट सोलह करोड़ इकहत्तर लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में नौ करोड़ बिरानवे लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थ्री में ये इक्यानबे लाख था तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो यहाँ कई गुना ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अड़सठ परसेंट का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर थ्री में ये लगभग बत्तीस परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तीस परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये लगभग छः परसेंट था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है तो दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एबिटा पैट और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद